ये आपने एक अच्छी बात बताई कि जो लोग भी अफ्तार करा रहे हैं वो ज़कात के पैसे से ना कराएं। नहीं बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि हमने उलमा से फतवा लिया है। बाकी वो अस्सलाम वालेकुम, इस वक्त मैं मौजूद हूँ करीमाबाद के ब्रिज के साथ, और यहाँ पे मोहम्मद इकबाल साहब होते हैं जो कि डेली अफ्तार का इंतज़ाम कर रहे हैं, बहुत अच्छा ज़बरदस्त। 400-500 लोग डेली बेसिस पे यहाँ पे खाना खा रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अभी हम बात भी कर लेते हैं। अच्छा, तो मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त इस पूरी अफ्तारी को मैनेज करने वाले और ये काफ़ी बड़ा एक सेटअप रन कर रहे हैं, इकबाल भाई। तो हम इससे बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। इकबाल भाई, बताइए कि ये क्या जज्बा था जो आपने ये काम शुरू किया? सर, ऐसा था कि मैं और मेरे साथी और दोस्त तमाम लोगों के ग्रुप था जो हमने पानी और इफ्तारी से शुरू किया कि लोगों को इस रोड पे उस ज़माने में कोई इफ्तारी नहीं करा रहा था। अच्छा। इफ्तार रोज़ेदार बेचारे आगे पीछे होते थे, बस वो जज्बा था दिल में, अल्लाह ताला ने काम लेना था, हमने शुरू किया पानी और फ्रूट से, जिसमें हनीफ भाई का बहुत बड़ा किरदार है और दूसरे साथियों का रहा है। साथी आते हैं चले जाते हैं, लेकिन ये काफिला बढ़ता गया और सिलसिला चलता है और सिलसिला चल रहा है। सही। तो मतलब इतने यहाँ पे तकरीबन डेली कितने लोग खा रहे हैं? तकरीबन कभी 800, कभी 600, कभी 400 नीचे ऊपर होते हैं, कोई एक फिक्स लोगों की गिनती हम नहीं करते, ये तवक्कुल इल्लाह है। तो माशाल्लाह से मतलब सारी चीज़ें हम अपने कंट्रीब्यूशन करते हैं अपने दोस्तों से, अपने साथियों से। किसी के फंडिंग का कोई हमारे यहाँ सिस्टम नहीं है कि कहीं से फंडिंग आता हो कोई हमें फंड देता हो। हाँ, हमारे दोस्तों का फंड है, हम एक ही इलाके के में सारे मेहमान बरादरी के लोग रहते हैं, किसी बरादरी से हमारा इस सिलसिले में ताल्लुक नहीं है। हम ये नहीं कि आप चंदा मांग रहे हो, ऐसा नहीं है? नहीं नहीं, चंदा खुद आगे को दे जाए, हमें चंदा देना चाहता हो दे जाए, हमारे साथ शामिल हो जाए। जैसे आप आए हैं, अगर आप भी कुछ लेकर आएंगे, आप खुद भी बांटें हमारे साथ, खुद भी शामिल हो जाए। या लोग आ रहे हैं, हम इज्जत से बिठा रहे हैं, रोड वालों को भी बिठा रहे हैं, W11 हो गई, बसें हो गई, रक्षे हो गए, जो XYZ हम अपनी मदद आपके साथ कर रहे हैं। खुद जो आना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारे साथ शामिल हो जाए। अगर कोई चाहे कि जी बिरयानी की डेक दे दें या फ्रूट दे दें, बिरयानी की आके शामिल हो जाए, मैं यही कह रहा हूँ ना, शामिल हो जाए। सही है, बिल्कुल बिस्मिल्लाह आ जाए, 100 बिस्मिल्लाह, कोई मसला बजाय का नहीं, वो भी सवाब का हमें भी सवाब मिलेगा। सही है, माशाल्लाह। और कितने साल हो गए? तकरीबन 20-22 साल हो गए हमें। 20 साल से आप काम कर रहे हैं इसी जगह पे, इसी पट्टी में। अच्छा, माशाल्लाह, बड़ा अच्छा आपका जज्बा है। चलें, बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। अच्छा, मेरे साथ मौजूद है हनीफ भाई, मौजूद हैं तो ये भी इसी टीम का हिस्सा है, कई दोस्त हैं जो मिलके ये काम कर रहे हैं ना, कार्य खैर। तो बात कर लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हनीफ भाई, आप भी बताइए, ये सिलसिला कैसे शुरू किया आपने? ये मैंने स्टार्ट किया था अपने बच्चों के साथ, 2 बच्चों के साथ खजूरों पानी से। इसके बाद ये सब दोस्त यार सब साथ हो गए और इस तरह ये चल पड़ा। ये और बहुत से लोग हमारे साथ हैं इसके पीछे भी। सही है, और रोज़ाना ये सिलसिला चालू है? जी जी जी, पूरे महीना ये होता है और ये तकरीबन हम 2002 से कर रहे हैं। ये 2002 से कर रहे हैं? ठीक है, माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया है। तो अगर कोई भी इसके आपके साथ अगर शामिल होना चाहता है इस नेक काम में, तो शामिल हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, इसमें जायज पैसे हो तो जायज, इसमें सदका और जगह तो चलती नहीं है। अच्छा। सब पैसे चलते हैं, अगर जो भी हमारे साथ शामिल होना चाहे आए, हमें तो वैसे भी इतना फंड बढ़ेगा इतना हम काम बढ़ाएंगे। अच्छा, ज़कात के पैसे इसमें नहीं दे सकते? नहीं, इसमें ज़कात के पैसे नहीं चलते हैं, हमने उलमा से फतवा लिया है, ज़कात और सदका इसमें नहीं चलता। ये आपने एक अच्छी बात बताई कि जो लोग भी अफ्तार करा रहे हैं वो ज़कात के पैसे से ना कराएं। नहीं बिल्कुल ना कराएं, क्योंकि हमने उलमा से फतवा लिया है, बाकी वो जो जिस आदमी का दिल मानते वो अपने उलमा से फतवा ले। बहुत शुक्रिया। जैसे जैसे अफ्तार का टाइम होता जा रहा है, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे रश बढ़ता जा रहा है और जितने भी मुसाफिर हैं, लोग हैं, गुजरने वाले हैं, आप देख सकते हैं कि रमज़ान का वक्त करीब है, अफ्तारी का टाइम हो चुका है और लोग बसों से, गाड़ियों से रुक के, मोटरसाइकिल वाले रुक के यहाँ पे अफ्तार के लिए रुक गए हैं और काफ़ी बड़ा सेटअप है इनका और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमें इनकी खुशी हुई है।